कॉल बबर हूँ, मैं वाइटलैंड कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। आज जो वाइटलैंड में क्या कर रहे हैं, मैं जो कोलैबोरेशन जैसे सबने बताया, क्या कॉम्पिटिशन इस कदर है? आज ये जो स्कूल है जहाँ आप अभी आए हैं, इसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है। तो एक महीने पहले ये स्कूल एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। तो ये वाइटलैंड फाउंडेशन और बीजी फाउंडेशन मिलके इस स्कूल को रन कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वाइटलैंड की तरफ से, एंड बीजी फाउंडेशन एक्चुअल काम कर रहा है। उन्होंने ये स्कूल आइडेंटिफाई करा है और सारे बच्चों को यहाँ पे जो एडमिशन करते हैं और डे टू डे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का, वो बीजी फाउंडेशन का। तो ये आपको नीना जी बताएंगी ज़्यादा, उन्होंने कुछ ग्रेडिंग करी है स्कूल की। बच्चों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी स्कूलिंग और मील्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेरा नाम नीना है, नीना घिंडा, मैं बीजी फाउंडेशन में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। मैम कुछ स्कूल के बारे में बता दें, क्या स्कूल के बारे में कैसे सर्च किया ये सब? सो ये भवानी क्लब गुड़गांव में ये स्कूल पढ़ता है और यहाँ पर पीछे 10,000 स्लम एरिया है जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी के लोग रहते हैं, लेबर डेली वेजर रहता है। तो उनके बच्चे जो कभी भी स्कूल नहीं गए, तो हमारे स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 बच्चे आएंगे। और हमने भी 15 दिन पहले स्टार्ट किया है, हमारे पास ऑलरेडी 136 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं और ये बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए। तो या तो ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, या कुछ ये लोग, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो विलेजेस में स्कूल जाते थे पर अब ड्रॉप आउट्स हैं, तो वो लोग अभी स्कूल नहीं जाते। तो हमने इनका जो हमने घर घर जाके, यहाँ पर हमारी टीचर्स हैं, इन्होंने हमने जो सर्वे किया, घर घर जाके बच्चों का सर्वे किया है कि कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, या किस कारण से स्कूल नहीं जा रहे। तो हमने बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो फिर भी आने को रेडी होते हैं पर पेरेंट्स बिकॉज उनको लगता है कि अपने बच्चों को सारे काम कराने के लिए लेके जाएंगे, तो बच्चे पेरेंट्स नहीं रेडी होते हैं जाने के लिए। तो हम लोगों ने हमारे टीचर्स जाके हमने टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको काउंसलिंग, मल्टीपल टाइम्स काउंसलिंग किया है हमने। और हमने उनको सिर्फ यही बताया, शुरू में मोटिवेशन ये दिया था कि आप हमारे सेंटर में आइए, सुंदर सा स्कूल है, वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, आपको गेम्स खिलाई जाएंगी। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, यू नो, एंड इनिशियली 30 days यू नो हमारा ये प्लान रहता है कि टू बिल्ड अ रेपो विद द स्टूडेंट्स, ताकि उनको आना अच्छा लगे, क्योंकि खाना खाने के लिए आ रहे हैं बच्चे, खेलने के लिए आ रहे हैं, सुंदर स्कूल है, उनको बहुत अच्छा लगता है आने के लिए। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बट हमने अभी लास्ट वीक हमने बच्चों की असेसमेंट की है, क्योंकि हमारे पास 0 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। 0 लेवल जो बच्चे कभी नहीं गए स्कूल उनका, लेवल 1 इज नर्सरी से KG, एंड देन लाइक वाइज, यू नो। सो हमारे पास मैक्सिमम बच्चे लेवल है 3rd-4th स्टैंडर्ड के बच्चे, जो विलेजेस में जाते थे पर अब नहीं जाते। तो हमारी टीचर्स ने उनका असेसमेंट किया है और बेस्ड ऑन असेसमेंट हमने उनकी क्लास डिवाइड की है, एंड हमारा हरियाणा बोर्ड से टाइप है, हम उनको हरियाणा बोर्ड का करिकुलम कराते हैं, बिकॉज आर ऑब्जेक्टिव इज कि एक साल बाद हमारे एटलीस्ट 60% जो बड़े बच्चे हैं, डेफिनेटली 100% दैट विल टारगेट, बट छोटे बच्चों में भी 60% बच्चे, दे शुड गो बैक टू द स्कूल।